अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी हम अबाया का जो है ऊपर वाला कोट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और इसका अर्ज जो है वो तकरीबन 54 इंच है, जो काफी बड़ा है इसका अर्ज। और इसका दामन भी तकरीबन 54 इंच बनेगा, क्योंकि इसका दामन जो है हम अर्ज में कट करेंगे। अब सबसे पहले जो है फैब्रिक को, ये जो कनी वाली साइड होती है, कनी वाली साइड से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हमने, 1, 2 और 3। और इस तरह से कनी वाली साइड से हमने इसको पहले फोल्ड किया, डबल फोल्ड। ये 3 मीटर कपड़ा था, तो डबल फोल्ड करने के बाद अब ये 1.5 मीटर ऊपर और 1.5 मीटर नीचे हो गया लंबाई में। और लंबाई में फोल्ड करने के बाद हमने इसको 4 फोल्ड में इस तरह चौड़ाई में फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड। सबसे पहले जो है हम लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ 56 इंच है। मुझे बना हुआ जो है 54 इंच का अबाया चाहिए, तो 2 इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा और जब ये बन के निकलेगा तो ये 54 इंच का होगा। आपने अपने हिसाब से जो है लेंथ रखनी है, आपको जितनी लेंथ चाहिए। अगर आपको 52 इंच चाहिए या 56 चाहिए, 57 इंच चाहिए, उसमें 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 2 इंच सिलाई में दब जाएगा। इसके बाद हम इसकी विड्थ चेक करेंगे। तकरीबन 26 इंच है। 26 को इस तरह से डबल किया तो ये तकरीबन 53 इंच जो है इसकी जो है विड्थ है। अभी सबसे पहले हम शोल्डर के लिए जो है निशान लगाएंगे। कपड़ों में जो है वो शोल्डर जो है वो 14 इंच का रखती हूँ, तो अबाया में मैं 1 इंच ज्यादा लूंगी, तो 15 इंच का मुझे शोल्डर चाहिए। 16 इंच में निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा, तो 16 को जो है जब हम हाफ करेंगे 8 इंच बनेगा, तो हम शोल्डर के लिए जो है 8 इंच में निशान लगाएंगे। अब हम मोंडो के लिए निशान लगाएंगे। मोंडे भी जो है कपड़ों में मैं 8 इंच के रखती हूँ, तो अबाया में जो है मैं 9 इंच के रखूंगी, 1 इंच ज्यादा रखूंगी। 9 इंच पे निशान लगाएंगे मोंडो के लिए। यहाँ से भी हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, ताकि मोंडो के लिए लाइन जो है वो सीधी हो जाए। अब इन 2 लाइन्स को मिला लेंगे। अब हम आर्म होल बनाने के लिए इसको तकरीबन 3 इंच तक एक्सटेंड करेंगे, और तकरीबन 1 इंच की ऊंचाई पर हम इसको इस तरह से कर्व शेप देंगे। अब हम मोंडो के नीचे जो है फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। नॉर्मल कपड़ों में जो है मैं इसको तकरीबन 19 इंच तक रखती हूँ, लेकिन अबाया में मुझे तकरीबन 20 इंच चाहिए, तो 20 इंच का हाफ जो है वो 10 इंच बनता है, तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। सॉरी, मैं ये बताना भूल गई थी, जो बंद वाली साइड है इसको मैं अपनी तरफ रखूंगी और इस तरह से खुली वाली साइड को उस तरफ रखूंगी। बंद वाली साइड से हम निशान लगाएंगे। अबाया में जो है वो फिटिंग का नाप नहीं लिया जाता, सिर्फ यहाँ से नाप, मोंडो के नीचे से नाप लेते हैं और दामन का जो है वो नाप लेते हैं। तो अब हम डायरेक्ट जितना भी मेरे पास कपड़ा अवेलेबल है, यहाँ से लेकर वहां तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ से तकरीबन कोई 1 इंच छोड़ के हम इसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सिलाई का जो है वो मार्जिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। नेक के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो है हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें बैक और फ्रंट दोनों है। अगर हमने फ्रंट नेक को सबसे पहले कट किया तो वो खराब हो जाएगा। सबसे पहले हम बैक नेक काटते हैं, क्योंकि वो कम कटता है, उसके बाद बैक पार्ट को निकाल के फिर हम फ्रंट नेक की जो है वो कटिंग करते हैं। तो बैक नेक जो है वो विड्थ जो है वो तकरीबन 4 इंच रखेंगे और इसकी लेंथ जो है 1 इंच रखेंगे। अब इसको इस तरह से हल्के हाथों से कर्व बना देंगे। हम तकरीबन 1/2 इंच के जो है शोल्डर का स्लोप देंगे। अब कटिंग करते हुए यहाँ पे हम तकरीबन 1-1 इंच जो है छोड़ के कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो 1 इंच या 2 इंच। यहाँ दामन पे भी हम तकरीबन यहाँ से 2 इंच पे जो है निशान लगाएंगे और इसको हल्का सा इस तरह से कर देंगे। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगाए हैं, उस हिसाब से तकरीबन 2 इंच छोड़ के हम कट करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहां पे हम छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि वो नीचे वाली लेयर्स पे भी निशान बन जाए।
अब ये दो लेयर्स हैं फ्रंट और बैक, ये बैक जो है लेयर इसको हम हटा देंगे। फ्रंट पार्ट में जो है हमेशा जो है मोंडे तकरीबन हाफ इंच जो है वो ज्यादा करते हैं, तो तकरीबन हाफ इंच पे हम इस तरह से कर्व बना के और हमने फ्रंट पार्ट में जो है वो आगे से एक पट्टी लगानी है और इसको ओपन रखना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर्स पे नेक जो है वो तकरीबन 4 इंच पे रखा था यहाँ से, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दामन तक इस 4 इंच के निशान लगा के इस पट्टी को यहाँ से निकाल देंगे। अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसकी भी कटिंग हो गई है, ये इस तरह से दो टुकड़े हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को जो है वो कॉलर बनाने के लिए एक मोटी पट्टी कट करेंगे। ये चौड़ाई जो है तकरीबन 5 इंच ली है, पट्टी इस तरह से फोल्ड होगी, मुझे बनी भी 2 इंच की चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि हाफ इंच एक साइड से और हाफ इंच दूसरे साइड से दब जाएगा और ये जब बन के निकलेगी तो ये 2 इंच की पट्टी होगी। और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन आपने कोट के हिसाब से लेनी है, कोट की जो लेंथ है वो 56 इंच है, तो दोनों साइड से 56 और 56 को 10 करके और तकरीबन नेक में जो है वो 10 इंच तक नेक में आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपने लंबी जो है पट्टी लेनी है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट को नीचे इस तरह से रख के फ्रंट पार्ट के जो है वो 2 पीस है। अब सबसे पहले जो है हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो आप पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ नीचे से लगाना शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर तक आएंगे, उसके बाद के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर दूसरी तरफ आएंगे। शोल्डर्स को जो है इस तरह से जोड़ लिया है, पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके थोड़ा सा इस्त्री लगा लेंगे, इससे ये होगा कि ये सेट हो जाएगा और सिलाई करने में आसानी होगी। हमने इस तरह से इस्त्री करके सेट कर लिया है। अब ये जो पट्टी है अब हम इसे पिनअप कर लेंगे, इससे ये होगा सिलाई करने में आसानी होगी। पट्टी को जो है ये कॉलर के बिल्कुल बीच से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, ताकि ये जो जोड़ हमने लगाए हैं ये कॉलर में गले के पीछे आ जाए। फ्रंट पे ना है तो हम पट्टी का जो है वो मिड निकालेंगे और पट्टी के मिड को जो है हम यहाँ गले के मिड के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। ये कोट का जो है वो सीधी तरफ से हम जोड़ना शुरू करेंगे, सीधी तरफ है, डायरेक्ट भी आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। हमने इस तरह से लगा ली है, पूरे एंड तक लगा ली हमने। अब इसको थोड़ा सा इस्त्री लगा के इसकी सेटिंग कर लेंगे। कॉलर को मैंने इस्त्री लगा लिया है। अब हम इसके पूरे राउंड में यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल टच जो है जहाँ से ये कॉलर ज्वाइन हुआ है उसके साथ जो है हम पूरी सिलाई फेरेंगे पूरे कॉलर के अराउंड नीचे तक जाएंगे। और ये हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं, तो ये जो मोंडे हैं इनको हम इस तरह से डबल और ट्रिपल फोल्ड करके इसको पूरे राउंड जो है वो सिलाई लगा लेंगे। दूसरे मोंडे को भी हम डबल ट्रिपल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
जहाँ से हमने शोल्डर्स को ज्वाइन किया था वहाँ से बीच से हम जो है वो इस तरह से मुंडों को फोल्ड करना शुरू कर देंगे। ये बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस एंड तक जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ बीच से सिलाई शुरू करके इस एंड तक जाएंगे। ये कॉलर की सारी सिलाई हमने लगा ली और ये मुंडो को भी इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया क्योंकि स्लीवलेस हम बना रहे हैं। अब हम ये फाइनल सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई के लिए हमने जहाँ से निशान लगाया था वहाँ पे इसको इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से पिन लगा के सेट कर लेंगे। ये साइड की सिलाई भी लग गई है। अब ये फाइनल दामन की सिलाई रहती है। यहाँ से पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी, इसको हम कट कर लेंगे। अब ये दामन को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद ट्रिपल फोल्ड करके हम इसके ऊपर दो सिलाइयां लगा लेंगे। इसको मैं सबसे पहले इस्त्री की मदद से सेट कर लूंगी ताकि सिलाई लगाने में मुझे आसानी हो। अबाया का जो है वो डबल कोट जो है वो रेडी। ये हमने अबाया के लिए जो है वो डबल कोट बनाया है। आप इस तरह से किसी भी ड्रेस के लिए जो है वो डबल कोट बना सकते हैं। अब हम अबाया के लिए बकल वाला बेल्ट बनाएंगे।